हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइजब्लू। मैं हूं दीवेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल और देखेंगे कहां पे एंट्री कर सकते हैं क्रूड ऑयल। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल मैंने डेली चार्ट लिया तो ताकि मैं यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकूं। तो आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज, आपने देखा ये 150 मूविंग एवरेज और वाइट 200 मूविंग एवरेज। तो एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, एक आया फोर 135 में, नेक्स्ट दूसरा आया 492 का आसपास आया हुआ है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये वाला 100 मूविंग एवरेज, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ पे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे है अभी। तो इसमें एक ड्रॉ कर दिया तो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ये 3987 में आ गया। तो मुझे अभी मिल गए यहाँ पे एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दो मिला हुआ है नज़दीक में। तो इसका बीच में जो एरिया है ये बफर एरिया है, तो एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट यहाँ से जाके फिर से वापस भी आ सकता है, मतलब जब तक ये जो बफर जोन होता है तो इसको जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं किया नहीं करेंगे, जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेंगे तब तक हम ये ज़्यादा सी लॉन्ग पोजिशन के लिए हम बाय में नहीं घुसेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है। राइट, इसको ब्रेकआउट करने देना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे ये एरिया, राइट, तो यहाँ पे भी थोड़ा, तो ये बफर जोन में आया फिर से मार्केट नीचे आ गया। राइट, तो इसलिए हमें ये बफर जोन निकाल लिया और एक सपोर्ट। तो जो ट्रेड करना है हमें ये रेंज में ही ट्रेड करना है। राइट, तो हम अभी देखेंगे यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम में, जैसे 1 आवर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। राइट, ये है 1 आवर, 1 आवर देख सकते हैं अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे हायर हाई बना के नया हायर हाई बना रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ये हायर हाई बना के हायर लो बना रहा है। तो मुझे लगता है ये हायर हाई बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हायर हाई भी बना तो मुझे लगता है ये जो मैंने बफर जोन दिया था आपको, जैसे 4092 से लेके 4135 ये एरिया में, तो यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आ सकता है एक हायर लो बनाने के लिए, जैसे ये हायर लो बनाया यहाँ से लेके। तो इसमें हायर लो के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे बाद में और यहाँ से निकालेंगे हायर लो। तो अगर ये हायर हाई बना दिया तो रेजिस्टेंस ये जो 200 मूविंग एवरेज में हमने ड्रॉ किया था लाइन, जैसे रेजिस्टेंस लाइन, तो यहाँ से जाके फिर से मार्केट आएंगे। तो अगर जिसने यहाँ पे बाय एंट्री किया है, अगर ये एरिया अगर 4135 के आसपास से आप मार्केट से निकल जाना चाहिए, फिर से मार्केट रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि यह 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लाइन है। राइट, रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, तो यहाँ से फिर से मार्केट रिट्रेस हो सकता है। तो अगर यहाँ पर रिट्रेस होगा तो एक सपोर्टिंग जोन मिलेगा, तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे। राइट, तो अभी देखेंगे हम 15 मिनट में एंट्री के लिए। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट ये मार्केट हायर हाई बना रहा है 15 मिनट में भी, और हायर लो बना रहा है। तो यहाँ से हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई बनाने का कोशिश कर रहा है। तो इसको मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकता है, अगर आपको ये 50 मूविंग एवरेज आएगा यहाँ से एक सपोर्टिंग बनेगा, तो यहाँ से मिला है तो आप बाय में जा सकता है और एस एल आप 200 नीचे रख सकता है। राइट, तो अगर यहाँ पे बाय एंट्री ले लिया तो आप 4130 के आसपास आप मार्केट से निकाल सकते हैं। राइट, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।